हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, जिसे हम पीएल एप्रो चैप्टर बोलकर के भी जानते हैं। हर एग्ज़ाम में ये चैप्टर इम्पोर्टेंटली एकदम आता ही है और बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करता है, और इसे बनाना बहुत ईजी होता है। अगर हम इसके कुछ टिक्स एंड ट्रिक्स जान जाएं तो इसे बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको एकदम डिटेल्स में अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझाने की कोशिश करती हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगी और हम लोग मिलकर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने से पहले थ्योरी बताऊँगी कि ये चैप्टर क्यों हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या बेसिक है, जिससे आपको प्रैक्टिकल करते वक्त कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पार्टनरशिप जो हम लोग पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हुए बनाते हैं। ओके, हमने इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस है, हम ये भी देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। जब दो या उससे ज़्यादा पर्सन्स आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हम एक बिज़नेस करेंगे साथ में, जिसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम इक्वली शेयर करेंगे। ओके, इक्वली या जो भी रेशियो में, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी आप बेसिक के लिए इतना समझिए कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन या दो पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन। पार्टनरशिप एक्ट में बताया नहीं गया है कि मैक्सिमम कितने नंबर होंगे, लेकिन अगर हम कंपनीज एक्ट को फॉलो करें तो वो हमें बताता है कि मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। ओके, मतलब 2% से लेकर 100% तक मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो 2% मिलकर कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किए, एंड उस बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी हम इक्वली बांटेंगे, या जो भी लॉस भी हुआ तो वो भी हमारा इक्वल होगा। ओके, ये होता है पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, इसमें 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे। ओके, 2 से, जैसे हमने देखा था, 2 से 100 तक पर्सन होंगे सबसे फर्स्ट। सेकंड में क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनता है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये पूरा पार्टनरशिप उस डीड, उस एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है, लेकिन बहुत बार वो एग्रीमेंट नहीं बनता है, ओरली होता है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंसान प्रॉफिट के लिए करता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, कैसे प्रॉफिट बटेगा, ये हम लोगों को मेन पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट होता है निकालना, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं, तो वो लोग आपस में मिलकर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये हम सम देखकर अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको नॉलेज के लिए बस बताती हूँ कि इक्वली शेयर करेंगे, या फिर जो जिस हिसाब से कैपिटल लेकर आया था वो उस हिसाब से प्रॉफिट लेकर जाएगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है पार्टनरशिप बिजनेस की, कि वहाँ पर एक्टिंग ऑफ ऑल, यहाँ पर सबको काम करना पड़ेगा। हर पर्सन बाउंड होता है, बंधा हुआ होता है अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर, कि उसे कुछ ना कुछ तरीके से पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा बिजनेस में, बिजनेस के एक्टिविटी में। ओके दोस्तों, इन सब की नोट्स आपको, पूरे रिटेन नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको मिल जाएगी, तो आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी बस समझिए कि होता क्या है पार्टनरशिप, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे या फिर मेल करके। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं राइट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का क्या राइट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, राइट ऑफ अ पार्टनर। सो पार्टनर के राइट होते हैं, पहला राइट है प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना। प्रॉफिट हो तो भी शेयर करेंगे और लॉस हो तो भी शेयर करेंगे।
ऐसा नहीं हो कि एक पार्टनर बोले कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करूँगा, लॉस शेयर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। दूसरे पार्टनर का राइट बनता है कि प्रॉफिट अगर तुमने शेयर किया है तो लॉस भी शेयर करो। सेकंड, हर पार्टनर को बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस का अगर डिसीजन है, कोई भी तरह का असाइनमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसमें हर पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। कुछ भी डिसीज़न अगर बिजनेस रिलेटेड लिया जाएगा तो वो कंसल्ट कर कर लिया जाएगा। हर पार्टनर आपस में पहले कंसल्ट करेंगे, देन कोई भी डिसीज़न लेंगे। ऐसा नहीं है एक ही पार्टनर जाकर सब कुछ कराया, ऐसा नहीं हो सकता। वो कंसल्ट करके ही करेंगे, ये सब डीड में मेंशन रहता है। ओके, अभी हम आगे चल के देखेंगे डीड क्या होता है। फिर और क्या क्या राइट होता है। हर पार्टनर को अलाउड या डिस अलाउड करने का राइट होता है। अगर दो पार्टनर हैं और वो कोई एक और पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, नए पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं, तो कोई एक पार्टनर, सपोज़ ए और बी दो पार्टनर कर रहे हैं बिजनेस, और सी को वो लोग ऐड करना चाहते हैं न्यू। ए चाहता है सी को ऐड करना लेकिन बी नहीं चाहता ऐड करना, तो यहाँ पर बी को पूरा राइट है कि वो डिसअलाउड करे और ए उसे ऐड नहीं करेगा। मतलब कोई भी अगर डिसीज़न लेना हो तो वो दोनों पार्टनर मिलकर लेंगे। और भी बहुत सारे राइट्स हैं, हम आगे सब में देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, और आपको मैं थ्योरी के नोट्स और प्रैक्टिकल दोनों के नोट्स भी दे दूँगी। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सो नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, जिसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये होता क्या है, बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक पेज पर लिखा रहता है, एक लीगल पेपर पर लिखा रहता है। दोनों पार्टनर, अगर दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर हैं, जितने भी हैं, वो आपस में अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं और उस पर सब लोग साइन करते हैं कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम इसे फॉलो करते हुए करेंगे। ओके, सो इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी इसीलिए कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का, ये रहेगा। हर पार्टनर का इन्फॉर्मेशन रहेगा, किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, हर पार्टनर का जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब रहेगा। ओके, किस पार्टनर को कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर किस पार्टनर ने कितना ड्राॅइंग्स किया है, कितना लिमिट है ड्राॅइंग्स करने का। ड्राॅइंग्स का मतलब क्या होता है, जब हम बिजनेस से पैसे निकालते हैं अपने पर्सनल नीड के लिए तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। मतलब बिजनेस से एक तरीके का लोन लेना, तो कितना लोन का लिमिट है, कितने दिन के लिए लोन लिया जा सकता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ेगा, अगर हमने लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बटेगा, और भी बहुत सारे, ड्यूरेशन क्या होगा पार्टनरशिप का, किस पार्टनर का कितना काम होगा, क्या होगा, सब कुछ डीड में पूरा मेंशन रहता है। अगर कोई झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो उसे कैसे सेटल्ड किया जाएगा, बैंक अकाउंट किसके नाम पर होगा। ओके, सब कुछ मेंशन रहता है पार्टनरशिप डीड में। मैं आपको सब कुछ थ्योरी में बता दूंगी, अभी के लिए बस आप इतना देखिए कि पार्टनरशिप डीड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि हाफ डिस्प्यूट तो पार्टनरशिप डीड ही सॉल्व कर देता है, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो डीड सॉल्व कर देगा। अब सपोज पार्टनरशिप डीड नहीं बना, ओके, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब वो देखते हैं। ओके, सो अब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। इस केस में कैपिटल मेंशन ही नहीं किया हमने, तब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल इक्वल किया जाता है। ओके, जितना भी होगा उसका हाफ हाफ करके बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, जो हमने कैपिटल डाला है उसमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा, तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी किसी भी पार्टनर को सैलरी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी तरीके का लोन लिया जाए तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 6%। और अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उसको वो 6% इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं सब में आपको अच्छे से बताऊंगी। अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना हो, एडमिशन करना हो किसी न्यू पार्टनर का, तो हर पार्टनर का परमिशन लगेगा, अदरवाइज़ हम उसे एडमिट नहीं कर सकते। ओके, तो ये था थ्योरी, और इससे रिलेटेड पूरे नोट्स मैं आपको दे दूँगी। ओके,
तो अब हम लोग चलते हैं सम की तरफ। आई होप आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं सम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कैसे बनता है मैं आपको समझाऊंगी और क्यों बनता है मैं वो भी समझाऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट के ऊपर ही मार्क्स रहता है। ओके, तो फॉर्मेट कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो आप अच्छे से पहले फॉर्मेट देखिए कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं सबसे फर्स्ट हम ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। जैसे अभी कौन सा ईयर एंडेड हुआ है 31 मार्च 2022, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके, ये हमें लिखना एकदम टॉप प्रायोरिटी है, अदरवाइज़ हमें मार्क्स नहीं मिलेगा चाहे आप कितने भी अच्छे से सम बनाकर आइए। फॉर्मेट में क्या होता है, तो इसके फॉर्मेट में होता है ओके, सो ये है इसका फॉर्मेट। एक है पर्टिकुलर्स रुपीज़, बहुत ही इजी फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ओके, तो ये है पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये फॉर्मेट बनाने पे ही आपको 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तो ये आपको पक्का बनाना है। ये डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पे मेंशन करना है आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो एंड किस ईयर एंडेड के लिए बना रहे हो ये भी। ओके, अब से हम देखते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ जाती है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ पार्टनर्स को वो हम उनमें बांट दें। तो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इसलिए हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लोग क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम यहाँ पे एक नरेशन लिखते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, ये हमें सम में दिया रहता है। ओके, तो इसकी हमें टेंशन नहीं है, ये हमें सम में दिया रहेगा। मैं आपको जब सम अभी बताऊंगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम इस साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, प्रॉफिट को हम इस साइड लिखते हैं, अगर लॉस हो तो फिर हम 2 करके लॉस को एंट्री करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम लोग नॉमिनल बेस पर बनाते हैं। अकाउंट्स के गोल्डन रूल क्या होता है आपको पता है, अगर नहीं पता या भूल गए हो आप तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसे एक बार देख के अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है ना, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, एंड जितने भी इनकम होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं, ऑल इनकम आर क्रेडिट। ओके, सो जितने भी लॉस हुए उन्हें हम डेबिट करते हैं और जो भी इनकम है उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इनकम है उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। अगर बिजनेस के हिसाब से सोचा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बन रहा है, बिजनेस के हिसाब से, जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है उसके हिसाब से।
तो वहाँ पर जो भी प्रॉफिट है यानी कि इनकम है उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, जितने भी इनकम्स हैं उन्हें हम क्रेडिट करेंगे और जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने आपको बताया था ड्राइंग का मतलब क्या होता है, तो ड्राइंग का मतलब होता है जो भी हमारा लोन लिया हो पार्टनर्स लोगों ने, हमारे बिजनेस से लोन लिया हो, तो उसके ऊपर वो हमें कुछ पैसे देंगे। अगर किसी बिजनेस ने अपने बिजनेस से 200 रुपए ड्राइंग्स किया हो, 200 रुपए निकाल लिए हो, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट वो अगर देता है 10% 20 रुपीस, तो ये 20 रुपीस एक्स्ट्रा क्या है, किसी भी फर्म के लिए इनकम है ये 20 रुपीस, ओके। तो ये 20 रुपीस क्या हुआ, इसके लिए इनकम, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में रखा गया है, ओके। अब हम देखते हैं हमारे डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ की एंट्री होती है। वो भी एक्सपेंसेस आपको सम में दिखे, आपको क्या करना है, उसको डेबिट साइड में लिखना है। क्या क्या एक्सपेंसेस फर्म के लिए हो सकते हैं, जैसे सैलरीज, टू सैलरीज, पार्टनर्स को हम सैलरीज दे रहे हैं, तो ये फर्म के लिए क्या खर्चा है, तो इसीलिए इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर टू सैलरी, टू कमीशन, अगर हम पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, कुछ भी अगर फर्म के यहाँ से पैसा निकल रहा है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। और क्या हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो उसके ऊपर अब फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने क्या किया है, पार्टनर्स लोगों से कैपिटल लिया है, पार्टनर्स लोगों से एक तरीके का लोन ले रखा है बिजनेस करने के लिए, तो इसीलिए फर्म पार्टनर्स को पैसा देगी, इंटरेस्ट देगी कैपिटल पे, तो ये खर्च है फर्म के लिए, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा, ओके। टू रिजर्व, टू रिजर्व भी डेबिट साइड में आ रहा है, क्यों आ रहा है रिजर्व डेबिट साइड में, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो भी रिजर्व होगा वो किसका होगा, पार्टनर्स का होगा, क्योंकि कैपिटल कौन लेके आए, पार्टनर्स लेके आए, तो इसीलिए रिजर्व भी पार्टनर्स में बटेगा, ओके। सब कुछ हो गया, बस इतना एंट्री ही टोटल आएगा, ओके, क्योंकि सम जब हम करेंगे तो इतना एंट्री ही आता है, बस इतना ही आपको लिखना है, इसलिए मैंने सारे बेसिक चीज़ें आपको बता दी। लास्ट में हम क्या करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो भी प्रॉफिट होता है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको, पार्टनर्स को, ओके। अब जब हम सम बनाएंगे तो और हम अच्छे तरीके से इसे करेंगे, अभी के लिए ये बेसिक फॉर्मेट है, और सम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले हमें इसका नॉलेज चाहिए, तो इसे एक बार आप अच्छे से फिर से देखिए और साथ में एक कॉपी लेकर बैठिए कि मैं जो बता रही हूँ वो आप कॉपी में मेंशन करते जाओ, जिससे आपका चैप्टर क्लियर होते जाएगा, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा सम। सम में क्या बोला गया है, शिव एंड हरि इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप में इंटर किए ऑन 1st April 2013। अच्छा, सम पढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं, अकाउंट्स में क्या होता है ना, जब हम लोग सम पढ़ते हैं तो ही हम घबरा जाते हैं कि ये सम हमसे होगा नहीं, ये टफ है, ऐसी बहुत सारी थिंकिंग हमारे माइंड में आने लगती है। बिलीव मी, बहुत इजी है, कोई भी सम नहीं समझ में आए तो उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, सम अपने आप क्लियर होगा, और एक एक लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों बोल रहा है ये लाइन, बस इतना काम आपको करना है। अभी भी हम वही काम करेंगे। सो शिव एंड हरि इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2013, कंट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लाइन से, ओके, यानी शिव ने किया है 5 लाख एंड हरि ने किया है 2 लाख। हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st July 2013। हरि भी साथ में क्या लेकर आया है, 1 लाख रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। मतलब हरि ने पहले तो 2 लाख रुपीज़ डाले और अभी वो फिर से, मतलब बिजनेस चलते हुए में बीच में फिर से उसने 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस्ड किया है, ओके। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और उन दोनों ने आपस में बात किया है कि हम किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 रेशियो में बांटेंगे। उन लोगों ने बात कर लिया है तो ठीक है, अगर बात नहीं किया होता तो हम इक्वल हाफ हाफ बांट देते। फिर सब में आगे क्या बोल रहा है, शिव एंड हरि
ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर क्वार्टर. उन्हें सैलरी कितना करके मिल रहा है पर क्वार्टर 5,000. क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक साल में चार क्वार्टर होते हैं. ओके, यानी तीन महीने को हम लोग एक क्वार्टर बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये तीन मिलाकर एक क्वार्टर हुआ. तो ऐसे करके पूरे साल में तीन 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 ऐसे करके चार क्वार्टर बन गए. ओके, तो एक साल में चार क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, एक क्वार्टर तीन महीने का होता है. तो तीन महीने की सैलरी उन लोगों को 5,000 मिल रही है, तो पूरे साल भर की सैलरी कितनी मिलेगी, 5,000 को क्या कर देंगे इनटू फोर कर देंगे. फोर क्यों किया, क्योंकि साल में चार क्वार्टर है. फिर क्या बोला है, इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, और कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा 8% पर एनम करके. ओके, एंड चार्ज ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट लेगी बिजनेस, कितना लेगी 10% करके. ओके, ठीक है, देंगे. फिर ड्राइंग्स ऑफ श्री एंड हरी, उन दोनों का ड्राइंग्स बताया गया है, कितना है 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. शिव ने ड्राइंग किया है 12,000 का और हरी ने बिजनेस से पैसा निकाला है 10,000 का. प्रॉफिट तो बताएगा ही, प्रॉफिट कितना हुआ है इन लोगों को, वॉज 1,96,000. प्रॉफिट बता दिया है 1,96,000. ओके, ये पूरा सम है. अब हम लोग पूरा फॉर्मेट बना के अच्छे से करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है. हमारा फॉर्मेट बनाने का तरीका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन जैसा मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स फॉर्मेट पे ही मिलता है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन. मैंने यहाँ पे फिलअप नहीं किया है क्योंकि आप जिस ईयर में अपने एग्जाम में बैठ रहे हो आप उस ईयर के हिसाब से बनाओगे. जैसे अभी 31 मार्च 2022 गया है, तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2022. जिसका जैसा एग्जाम हो, अगर वो 23 में दे रहा है तो वो लिखेगा 31 मार्च 2023. ओके, तो यहाँ पे हम वैसे मेंशन करते हैं. फिर हम यहाँ पे इस साइड में डेबिट और इस साइड में क्रेडिट लिखते हैं. ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये फॉर्मेट नहीं बनेगा मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी सम को करेक्ट कर लो. ओके, फॉर्मेट पे ही 3 से 4 मार्क्स रहता है. एग्जाम में हम फॉर्मेट फटाफट बना पाएं इसके लिए यही ट्रिक है कि आप अपने घर में जब भी सम बनाओ फॉर्मेट बना के ही प्रैक्टिस करो, जिससे आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा. अगर आप घर में प्रैक्टिस करते वक्त फॉर्मेट नहीं बनाते हो और एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मेट बनाते हो तो बहुत लेट होता है, जिसके वजह से सम छूट जाता है और हमें फॉर्मेट भी याद नहीं रह पाता कि किसमें डेट लिखना था किसमें नहीं लिखना था. ओके, सो इसका फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स रुपीस, ऊपर में क्या अकाउंट बना रहे हैं वो, फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट एंड क्रेडिट. ये सारे रूल्स सारे ट्रिक्स आप फॉलो करिए, देखिए अकाउंट्स में कैसे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. ओके, अब सम में सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था हम नेट प्रॉफिट खोजते हैं, तो लास्ट लाइन में मेंशन है नेट प्रॉफिट, तो उसे हम यहाँ पे लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये कहाँ से आया है, ट्रांसफर्ड होके आया है. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसफर्ड. कितने रुपीस हैं, तो सम में मेंशन है 1,96,000. ओके, क्यों हमने क्रेडिट साइड लिखा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. नेक्स्ट कौन सा इनकम है, अब हम वो सर्च करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड में इनकम आता है. नेक्स्ट है बाई, और हम फॉर्मेट भी फॉलो करेंगे. आप अगर 3 से 4 सम फॉर्मेट देख के बना लेते हो तो ऐसे ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी. फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो पार्टनर है, एक शिव और एक हरी. सम में मेंशन है कि शिव ने कितना ड्राइंग लिया, तो शिव ने साल भर में ड्राइंग्स लिया 12,000, जबकि हरी ने कितना ड्राइंग्स लिया, तो हरी ने साल भर में ड्राइंग्स लिया 10,000. कितना परसेंट करके इंटरेस्ट चार्ज है, 10%. फ्रेंड्स, सम में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इन लोगों ने ड्राइंग्स किस तारीख को लिया, किस महीने लिया. अगर कुछ भी ऐसा मेंशन ना रहे तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि इन लोगों ने 6 महीने के लिए लोन लिया होगा, तो हम यहाँ पे 6/12 लिख देते हैं. ओके, ये हमें अपने मन से लिखना पड़ता है 6/12. अगर मंथ मेंशन है तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और नहीं लिखा है तो हम 6/12 मानते हैं. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आता है 600 और ये कैलकुलेट करके आता है 500. ओके, बाहर जब हम लिखते हैं ना तो हम टोटल लिखते हैं, यानी कि 600 और 500
1100। अगर यहाँ पे जगह हो तो आप साइड में लिख सकते हैं 600 और इसका 500। ओके, ये करके आया यहाँ पे 1100। अब कोई भी इनकम नहीं है सम के हिसाब से, तो अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। हम देखते हैं क्या एक्सपेंसेस है फर्म के। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मेट के हिसाब से सैलरी टू पार्टनर, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टू सैलरीज टू पार्टनर। कितना सैलरी मिला है, एक है शिव एक है हरी। शिव को 5000 इच करके बोला है, दोनों को सेम सैलरी मिल रहा है और दोनों को कितने क्वार्टर के लिए मिल रहा है, पर क्वार्टर 5000 है और साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, क्योंकि हम ये पूरे साल के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटू 4 करेंगे, तो आया कितना 20000, दोनों का 20000 आया। ओके, सो बाहर हम लिख देंगे टोटल आया 40000 दोनों का मिला के। नेक्स्ट क्या है खर्चा, तो अब हम देखते हैं, अगर सम को पढ़ते हैं तो नेक्स्ट खर्चा अब हमें दिखता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव ने कितना लिया और हरि ने कितना लिया, तो शिव ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था साल के स्टार्टिंग में, शिव ने डाला था 5 लाख रुपीज। सम के फर्स्ट लाइन में ही हमें दिख रहा है कि शिव ने 5 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना परसेंट करके चार्ज किया जा रहा है, तो 8%, और क्या बोला गया है, पूरे साल के लिए। तो पूरे साल के लिए अगर बोला गया है तो हमें कोई मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि हरि की हम बात करें तो उसने कितना डाला है, 2 लाख रुपीज, उसे भी सेम मिलेगा 8% के हिसाब से कितने महीने के लिए, कोई महीना मेंशन नहीं है। लेकिन हरि ने फिर साल के कुछ दिन बाद क्या किया था, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। तो ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा एंट्री है कि अगर उसने 2 लाख किया तो हमने 8% दिखाया, तो वो 1 लाख भी लेके आया है तो हम उस पर भी 8% चार्ज करेंगे, प्लस करके उसने जो 1 लाख लेके आया है उस पर भी हम कितना परसेंट चार्ज कर देंगे, 8%। लेकिन यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे मंथ, क्यों मंथ, क्योंकि देखिए कैपिटल के साथ ही बता दिया गया है कि वो कब लेके आया है, तो वो जून के एंड यानी कि जुलाई में लेकर आया है। अगर वो जुलाई में लेकर आया है तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि उसे कितने महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे टोटल 9 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट देंगे। बस ये तीनों को हमें कैलकुलेट करके बाहर लिख देना है। हम तीनों को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है 62000। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 5 लाख का 8% 40000, यहाँ पे 2 लाख का 8% आप करोगे तो 16000, यहाँ पे 1 लाख का 8% इंटू 9/12 करोगे तो 6000। टोटल अगर हम करते हैं तो 62000 आता है। ओके, यहाँ पे साइड में अगर आपके जगह हो तो आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो कि आपका कितना हुआ टोटल, 40000 प्लस यहाँ पे 22000। ओके, ये हमारा सम का हमने एक एक इन्फॉर्मेशन लिख दिया। अब हम हमारे पास कुछ एंट्री करने के लिए बचा नहीं है फॉर्मेट के हिसाब से, और कुछ नहीं है सम में क्योंकि रिजर्व्स है नहीं। ओके, तो अब हम डायरेक्ट जो भी हमारा प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट कर देंगे, बांट देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल चेक करना पड़ेगा कि हमारा टोटल कितना आया है। टोटल यहाँ पे ज्यादा है इसलिए हम इस साइड करेंगे, तो आया हमारा 1,97,100, हमने इन दोनों को जब प्लस किया। सेम अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे 1,97,100। जब हम इस टोटल में से इन दोनों अमाउंट को माइनस करते हैं तो 1,97,100 माइनस 40,000 और 62,000 माइनस करने पे आता है 95,100। ये हुआ प्रॉफिट। ओके, तो इसे हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, इसे हम शिव और हरि में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे करेंगे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर हम लिखते हैं शिव, यहाँ पर हम लिखते हैं हरि। ओके, किसे कितना मिला, 95,100, इसको भी 95,100। अब हम चलते हैं इनके रेशियो की तरफ, तो किसको कितना रेशियो था, एक का 3 था और एक का 2 था, तो शिव का है इंटू 3 और इसका कितना है 2, और डिवाइड कर देते हैं हम जो रेशियो है उन दोनों को प्लस करके, यानी 3:2 है तो हम 3 और 2 को प्लस करते हैं, 3+2 5,
यानी 3/5 और इसका हो गया 2/5। ओके, अब जितना भी आया उसे हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं और टोटल अगर करते हैं तो वो हमारा 95,100 आ जाता है। ओके, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, 95,100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 आता है हमारा 57,060। और जब हम 95,100 इंटू 2/5 करते हैं तो हमारा आता है 38,040। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आता है 95,100। ओके, तो ये बन गया हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का सम। पूरा यही मेथड है सम बनाने का। ओके, आपको फुल फॉर्मेट फॉलो करते हुए बनाना है। मैंने वर्किंग्स ऊपर में दिखा दिए हैं। ओके, आप अगर वर्किंग्स नीचे दिखाते हो तो और भी अच्छी बात है। आप वर्किंग्स सम के नीचे में दिखाओ और वहाँ पे जैसे आपने दिखाया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो वर्किंग नोट 1, और आप नीचे जहाँ पे दिखा रहे हो वहाँ भी आप लिख दो वर्किंग नोट 1, और वहाँ पे आप ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हो जिससे आपको इस जगह मिल जाती है। ओके, तो ये था हमारा एक सम। ऐसे अभी हम बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का और भी डिफरेंट टाइप का जितना भी लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग बहुत तरीके के हैं, वो सब भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और सबका सम्स प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी सम्स बता रही हूँ वो आप अपने कॉपी में बनाते जाओ और वो कॉपी सर आप मुझे शो करो, कॉपी आप मुझे भेज दो। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, मैं सारे आपके सम्स को चेक करूंगी, कहाँ गलती है मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगी। ओके, जिससे आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती कहाँ हो जाती है कि हम फॉर्मेट जब बनाते हैं ना तो हम डायरेक्ट एग्जाम में बनाते हैं, हम घर में ये लाइन वाइन खींचना ये सब नहीं करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, जिसके वजह से एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका फॉर्मेट क्या है, किसमें डेट जाएगा किसमें नहीं जाएगा, और हम गलती कर देते हैं और हमारा मार्क्स सबसे ज़्यादा फॉर्मेट की वजह से ही कट जाता है। ओके, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें फॉर्मेट घर में फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में फॉर्मेट हम फटाफट अच्छे से बना पाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम PLFO का और भी बहुत सारे चीज़ देखेंगे। जो भी आपको डाउट हो प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मेल करिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट होता है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी वीडियोज़ मैं लाऊँ वो आपको फटाफट मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।